वेलकम टू माय चैनल किचन फॉर डायबिटिक्स। आशा करती हूँ कि आप सब सकुशल हैं। डायबिटिक पेशेंट्स को डॉक्टर्स लो कार्ब्स और हाई प्रोटीन वाला फूड लेने की सलाह देते हैं। आज मैं हाई प्रोटीन और लो कार्ब्स वाले 10 बेस्ट फूड्स बताऊंगी। आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाइए, आपको इसी तरीके से न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे। US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार एग में 13 ग्राम्स प्रोटीन रहते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल नहीं रहते हैं। वॉलनट यानी कि अखरोट को पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिशंस कहा जाता है। 100 ग्राम वॉलनट्स में 15 ग्राम्स प्रोटीन रहते हैं। चिकपीस यानी कि वाइट चना या काबुली चना भी कहा जाता है। 100 ग्राम्स काबुली चना में 19 ग्राम्स प्रोटीन रहते हैं। इसमें जो कॉब्स रहता है उसमें फाइबर ज़्यादा रहता है। लेंटिल्स यानी कि दाल। लेंटिल्स को प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। अगर आप 100 ग्राम्स लेंटिल्स ले रहे हैं तो उसमें आपको 20 ग्राम्स प्रोटीन्स अवेलेबल होंगे और 10 ग्राम्स डाइटरी फाइबर रहेगा। सारे फिशेस में से टूना फिश में बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स अवेलेबल होंगे। 100 ग्राम्स फिश में 30 ग्राम्स प्रोटीन अवेलेबल होंगे और कार्ब्स बिल्कुल नहीं रहेंगे। टूना कैन फिश को किस तरीके से बनाना है मैं रेसिपी ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, चाहो तो देख सकते हैं। टोफू, इसे सोयाबीन से बनाया जाता है। ये वेगन्स और वेजिटेरियंस का फेवरेट फूड है। 100 ग्राम्स टोफू में 9 ग्राम्स प्रोटीन्स और 0 कार्ब्स रहते हैं। दही यानी कि इसे योगर्ट कहा जाता है। 100 ग्राम्स योगर्ट में 10 ग्राम्स प्रोटीन्स रहते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल नहीं रहते हैं। पिस्ता यानी कि इसे पिस्टैचियो कहा जाता है। 100 ग्राम्स पिस्ता में 20 ग्राम्स प्रोटीन्स रहते हैं और 10 ग्राम्स डाइटरी फाइबर रहता है। 100 ग्राम्स बीन्स में 21 ग्राम्स प्रोटीन रहते हैं और हाई अमाउंट ऑफ डाइटरी फाइबर रहता है। हाई प्रोटीन मील्स के लिए इंडियन स्टाइल बीन्स स्टिर फ्राई रेसिपी को मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, चाहो तो देख सकते हैं। ओट्स में हाई क्वालिटी फाइबर रहता है जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। 100 ग्राम्स ओट्स में 17 ग्राम्स प्रोटीन्स और कुकिंग ओट्स में 27 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार इसमें जो कार्ब्स रहते हैं उसे गुड कार्ब्स माना जाता है। चलिए डायबिटिक पेशेंट्स एक दिन में कितने प्रोटीन्स लेना चाहिए देखते हैं। अपने शरीर के वजन के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए। 1 किलोग्राम वेट में 0.8 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। आपका वेट 70 kgs है तो 70 × 0.8 ग्राम्स यानी कि 56 ग्राम्स प्रोटीन्स लेना चाहिए। नॉर्मल व्यक्ति 1 kg वेट में 1 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए यानी कि 70 kgs वेट है तो 70 ग्राम्स प्रोटीन लेना चाहिए। स्वस्थ भोजन लेने के लिए डायबिटिक पेशेंट्स लो कार्ब्स और हाई प्रोटीन वाले फूड को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करिए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए। आप जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स को जानते हैं उनके साथ मेरे इस चैनल को ज़रूर शेयर करिए। ऑलवेज ईट हेल्थी, स्टे हेल्थी, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।